खबरदार खबरदार, जो तूने मामू के घर में तो क्या, उनकी गली में भी घुसने की कोशिश की। तो ये जो शिवरा वाला मामला चल रहा है ना, इस सारे मामले के बीच हमें उनसे जमीन से चांद की दूरी पर रहना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से आप मामू जान के घर से वापस आई हैं, बिला वजह की इतनी परेशान है, हुआ क्या है? मुझे बताएं तो सही, किस बात का खौफ है? बिला वजह परेशान नहीं हूं बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रही। शिबरा ने दाऊद अली खान की दुम पे पांव रख दिया है, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, तौबा तौबा तौबा, बड़ी बुरी होती है इनकी दुश्मनी। ये अपने दुश्मनों के साथ साथ उनके सारे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जान से मार देते हैं उन्हें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सुकैना का भाई नहीं, शामी सिकंदर साहब, वो क्यों शुभ्रा को कुछ होने देगा यार? चुप चुप चुप, किसका नाम ले रहा गधे? क्या दिया तुझे? मना किया तो उसने अपना नाम लेने से भी। मैं ना बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूं, मुझे एक सेकंड कोई क्लियर करके बता दे। हम उससे भी डर रहे हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूं, हम उसके बाप से भी डर रहे हैं, डिसाइड तो करें डरना किससे है। पहले ना ये हाथियों की जो जंग चल रही है, इसको जरा थमने दे। क्या पता उनका कोई नुकसान हो ना हो, खामखा किसी हाथी के पांव के नीचे आके हमारा इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। इसलिए तेल देखो, तेल की थाल। बहुत अच्छा प्लान है। एक मसला है, अगर इस दौरान सुकैना की कॉल आ जाती है या मामू जान की कॉल आ जाती है और वो पूछे कि हम कहां थे इस टाइम में, क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे नहीं पूछेंगे भाई, इस वक्त तो अभी उन्हें शिबरा की फिक्र पड़ी हुई है। और फर्ज करो उन्होंने पूछ भी लिया, तो भाई कह देना कि तुम्हारी अम्मा शिबरा की सलामती के लिए और उसकी खैरियत के लिए अकेली बैठ के आयते करीमा का खत्म कर रही। अम्मा अम्मा, इतना बड़ा झूठ ना बुलवाओ अपने बेटे से, आयत करीमा। समझ क्यों नहीं आती तुझे? अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज होता है बेवकूफ। हाँ मामला हाल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मिठाई का डब्बा लेंगे और पहुंच जाएंगे मुबारकबाद देने। और अगर खुदा ना खवास्ता हालात नहीं ठीक होते? तो बाहर में जाए, मेरी तरफ से चाय मेरी रह गई, चाय लेके आती हूँ अभी। सर आपसे सुलेमान अहमद मिलने आए। इससे बाहर इंतजार करवाओ। जी बेहतर। दाऊद, आखिर कौन है सुलेमान अहमद? आपसे कुछ पूछ रही हूं मैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुलेमान अहमद काम से घराने का एक आम इंसान, जुबैदा के वक्त में पार्टी मेंबर था, बहुत ही डेडिकेटेड। फिर जुबैदा के मरने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात? उसने पार्टी जुबैदा के मरने के बाद से नहीं छोड़ी, उसने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने खयालत संभाली। दाऊद, what's the big fuss about it? नहीं समझेगी तो
तो भी तुम ही उसकी तरह एक आम आदमी हो, एक आम घराने की। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला, ना हालात बदले ना तरजीहात बदली। वो हबीब जालिब ने कहा था ना, हसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मेहरा हूं जिक्र वादिये।